Mlah Rahmanir Rahim, as you know that we are discussing contents from the chapter Permissible modes of property, and so far we have discussed many permissible modes like Muzara, Mudarba or the other terms and conditions through which we acquire and we claim the ownership regarding anything or any property. Now uh, this is another module. Uh, through which we can uh, claim the ownership of anything and the title of this module is musharaka so what is musharaka so meaning is very simple the literal meaning of musharaka is sharing the root of the word musharaka in arabic is uh, shirka which means being ए पार्टनर अंडर इस्लामिक जोर स्पूडेंट्स मुशारका मीन्स ए ज्वाइंट इंटरप्राइज फॉर्म फॉर कंडक्टिंग सम बिजनेस ऐसी आपस में शराकत दारी है जो दो लोगों या दो से जायद के दरमियान वजूद में आती है और उसमें मकसद कोई बिजनेस या कोई एक्टिविटी का करना होता है In which all partners share the profit according to the specific ratio, while the loss is shared according to the ratio of the contribution. Legitimacy of Shirka Allah has declared that He becomes a party in a business between two musharakain until one indulges in cheating or breach of trust. मुशार्का एंड दिस इज दिपोटेड इन सुनन अबी दाऊद इन दैप्टर किताबुलब्यू यानी अल्लाह तबारक वाली ये इर्शाद फरमाते हैं कि दो शराकत दारों के दरमियान मैं तीसरा शरीक होता हूँ उस वक्त तक जब तक वह दोनों ईमानदारी के साथ काम करें जब दोनों ईमानदारी को छोड़ दें या कोई एक पार्टनर वो दूसरे पार्टनर के साथ किसी चीटिंग की कोशिश करे या किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए या किसी ऐसे फेल का शिकार हो जाए कि जिसमें बदनीयती का अंसर जो है वो नुमाया नजर आता है तो फिर अल्लाह ताला की मदद खत्म हो जाती है और वो ऐसे बिजनेस में शरीक नहीं होते सो इन द लाइट ऑफ लिटरल मीनिंग एंड दंसेप्ट

किसी एक्टिविटी के करने पर जिसमें मकसद आ, उनका उस बिजनेस एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि हम इसमें मुनाफा कमाएंगे और उस मुनाफे को आपस में आ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके दरमियान म्यूचुअली डिफाइंड हुई है उसके मुताबिक हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर इन केस हमें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को किस तरह से बेयर करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप एट दाइम ऑफ मुहमद कॉल टू प्रॉफिट हुड वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस वर इन वो बहुत से बिजनेसिस थे जो राइज थे आप सल्हुस ने अपनी तशरीफ आवरी के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स या कुछ काइंड ऑफ बिजनेस ऐसी थी कि जिनको मना फरमा दिया जिनको हराम फरमा दिया कुछ जो दुरुस्त थी उनको अपने हाल पे बाकी रखा और कुछ को कंडीशनली ममनू करार दे दिया गया और कुछ को थोड़ी बहुत रिफॉर्म के बाद दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया सो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहेबिटेड फ्रॉम सम वाइल रिफॉर्म सम एलिमेंट्स इन बिजनेस डिस्कसिंग जस्टिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप सल्लाम प्रोहेबिटेड फॉम दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच वर कॉन्ट्रेरी टू इथिक्स जस्टिस एंड इक्वेलिटी यानि वो सूरतें जो कि अखलाकियात के खिलाफ थी या जो इंसाफ के मनाफी थी या जो मसावत के मनाफी थी हर वो चीज जो शरीय से मुतदम थी आप सल्ला वम ने उनको मना करार दे दिया ही फॉर बेड ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच डिस्प्यूट और कंफ्लिक वॉज लाइकली टू अराइज और इन विच द गेन ऑफ वन पार्टी मीन लॉस टू दर पार्टी यानी ऐसी ट्रांजेक्शंस के जिस जो कि निजा का बायस बन सकती थी या ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसमें एक पार्टी के फायदे का मकसद दूसरी पार्टी का लॉस होना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ट्रांजेक्शन्स को मना फरमा दिया आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ दोज मोड्स ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड एग्रीकल्चर विच वर प्रिस्क्राइब बाई द होली प्रॉफिट दूरिस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड बैड टू डिटर्मिन लॉफुल और अनलॉफुल नेचर ऑफ बिजनेस एट दाइम वेन अल्लास एपोसल वॉज Head of the state, trade and commerce were commonly conducted on the basis of partnership and mudarba. The companions of the Holy Prophet also adopted these modes of doing business, and the Prophet expressly approved of them. Hence, partnership and mudarba are. Perfectly legal modes of business in the Sharia.